विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स की भारी सफलता ने एक तरह से पैसे की तबाही मचा दी है। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के कारण एक नरसंहार हुआ जिसमें सैकड़ों निर्दोष कश्मीरी पंडित मारे गए। दासवीं में नजर आने वाले अभिषेक बच्चन से हाल ही में द कश्मीर फाइल्स के बारे में पूछा गया था। उनकी प्रतिक्रिया ने ट्विटर परिवार से प्रशंसा प्राप्त की। अभिषेक बच्चन के अनुसार द कश्मीर फाइल्स सफल रही क्योंकि यह एक अच्छी फिल्म थी। जूनियर बच्चन ने टाइम्स नाउ नवभारत के साथ एक साक्षात्कार में द कश्मीर फाइल्स पर अपनी बेबाक राय दी और कई लोगों ने उनके राजनयिक दृष्टिकोण की आलोचना की, लेकिन ट्विटर काफी हद तक प्रभावित हुआ। वो आगे कहते हैं कि लोग केवल एक अच्छी फिल्म देखेंगे। आपने द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया, हम 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि आप इसका राजनीतिकरण करें, लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो यह काम नहीं करेगी। इसे किसी कारण से काम करना है। आप इसके विभिन्न अर्थ और तरंग प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी है। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि यह एक खराब फिल्म है, सिनेमा ही सच्चाई है। अभिषेक बच्चन ने निष्कर्ष निकाला, व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक फिल्म को एक अच्छी फिल्म होना जरूरी है। उनकी प्रतिक्रिया पर कुछ ट्विटर टिप्पणियां यहां दी गई हैं।